सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फतूहात और कारनामे तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेहरबानी कीजिए हम पे, भाई के पास जाने से रोकिए उन्हें, ये हमारे लिए करना होगा आपको। इससे पहले कि अब्दुल हमीद की कार्रवाइयों के नुकसान का अजाला मुमकिन न रहे, आप सब लोग उस्मानी बाजारों से सरमाया निकाल लें और अपना कारोबार रोक दें। ये बहरी खुफिया हुरूफ है, हम इनसे जहाजों को खतरे का कहकर रुक जाने का इशारा देंगे। थियोडोर हर्ज़ल ने तमाम ताजिरों को जमा किया, उन्हें तिजारत के हवाले से डराया धमकाया। इस सारी सूरत हाल के दोनों ही जिम्मेदार हैं, तो फिर क्या होगा? दोनों को ही सजा दी जाएगी। बेफिक्र हो जाए सुल्तान मुअज्जम, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। खदीजा दुख्तर, अगर नाई में ठीक नहीं होती तो यहाँ मुलाकात के लिए नहीं आ सकती थी। हमने वो गोली देखी है, कमाल उद्दीन वो गोली खुद पर चला ही नहीं सकता, क्योंकि वो गोली उसकी पिस्तौल से चली ही नहीं। मुझे चुना गया है आलमी सरमायादाराना निजाम के लिए, बादशाहत के खात्मे के लिए। मैंने जहाज पर अपना एक आदमी भेजा है, कप्तान ने कहा है कि हम बंदरगाह पर नहीं आएंगे। जब तक आप खरीदारी कर रहे हैं तब तक शहजादी और मैं बातें कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कर लें। ये शहजादे को दे देना, कल उनका यही इंतजार करूंगी। बेफिक्र हो जाओ तुम। सुल्तान मुअज्जम, मेरा ख्याल है कि पारवुस के पीछे बादशाहों, मलिकाओं और मजहबी रहनुमाओं का हाथ है। और दीन और ईमान क्या है? उनका कोई दीन नहीं मेरे सुल्तान, वो खुद को हर चीज का मालिक समझते हैं। यहूदियों और ईसाइयों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए पादरियों को साथ मिलाया हुआ है और पेशवाओं को इस्तेमाल करते हैं। वो यानी हाथ में तलवार लेकर इस्लाम पर हमलावर हैं। वो बिल्कुल सही फरमाया आपने, खास तौर पर इस्लाम के लिए लड़ने वाले खास हदफ हैं उनका, जैसे आप। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, ताजिरों ने फैसला सुना दिया है, वो रियासत के बाजारों को वीरान नहीं होने देंगे। लेकिन एक नया हमला हुआ है। जी मेरे सुल्तान, बंदरगाह पर जहाज लंगरअंदाज नहीं हो रहे। क्या कहना है ताजिरों का? ताजिरों का कहना है कि वो ये सूरत हाल ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर जहाज उनका माल बंदरगाह तक नहीं लाए तो पाए तख्त के सारे बाजारों का कारोबार बंद हो जाएगा। मेरे सुल्तान, न सिर्फ यूरोप की बहुत सी रियासतों बल्कि हिंदुस्तान से भी मुख्तलिफ सामान की तैयारी के लिए खाम माल लाया जाता है। मेरे सुल्तान, ताजिरों ने कहा है कि वो अपना माल कल मंडियों से उठा लेंगे। इब्राहिम आफंदी के अलावा सबका यही फैसला है। बाजार में तातील कर दी जाए एक दिन के लिए। मेरे सुल्तान, तातील के बाद मजबूरन बाजार खोलने पड़ेंगे, वरना नुकसान बढ़ता जाएगा। हम जानते हैं पाशा, लेकिन उस वक्त तक कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे हम। सलीम पाशा, आप बंदरगाह जाएं और लोगों से पुरसुकून रहने की दरख्वास्त करें। तो अब्दुल कादिर के लिए ये खत दिया है उसने। जी मेरी सुल्ताना, कल शहजादे अब्दुल कादिर का इंतजार करेंगी, वो कुएं के पास। शहजादे, मुझे आपसे मिले बगैर महल से निकलने पर मजबूर किया गया। आपसे दूर करने के लिए बेदार सुल्तान ने मुझे बेदखल किया है, लेकिन वो मुझे दुनिया के दूसरे कोने पर भी भेज दे, फिर भी मेरा दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता रहेगा। मैं बचपन से ही आपको बहुत पसंद करती हूँ शहजादे। मेरा दिल कहता है कि आप आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये लड़की शहजादे का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी। कोई मुस्तकिल हल सोचना पड़ेगा इसका। वालिदा, मैं फेंक देती हूँ शहजादे। इजाजत चाहती हूँ सुल्ताना। जैसे कि आपका ख्याल था, हमने फिरोजे को तलाश किया मगर वो नहीं मिली। अब मेहरबानी फरमाएं और हमें उनका पता बता दें। फिरोजे कहाँ गई है ये हमें कैसे मालूम हो सकता है? मुमकिन है कि कहीं भेजा उन्हें आपने, या बता कर गई हो कि कहाँ जाएंगी वो। कुछ नहीं बता कर गई, हमें नहीं मालूम। अगर मालूम होता तब भी नहीं बताती ना हमें आप। हकीकत सुनना चाहते हैं अब्दुल कादिर? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम आपको कभी नहीं बताते। उस लड़की के बारे में आपका बार बार पूछना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़की आपके लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं। आप समझते क्यों नहीं? हम तो हैरान है उस लड़की ने आप पर कौन सा जादू कर दिया है। क्या कहा? जादू नहीं, सिर्फ मोहब्बत करती है हमसे। जब हम छोटे थे तब से वो हमारी तमाम खामियों के बावजूद भी हमसे मोहब्बत करती रही है। हर मुश्किल वक्त में हमें हौसला दिया है उन्होंने। उनका हमारे साथ रहना मुफीद है वालिदा। अब्दुल कादिर, शहजादे, वो लड़की आपका ख्याल नहीं रख रही। ये उसका लालच है जो आपके करीब ले आया है उसे। ये मोहब्बत नहीं होती। क्यों वालिदा, बताइए, क्या चाहे जाने के काबिल नहीं है हम? अच्छी तरह जानते हैं आपके सामने हमें हमेशा बेइज्जत किया गया है, तो आप तो यही समझेंगी ना। लेकिन शायद फिरोजे को हम में कुछ ऐसा नजर आया है जो आप नहीं देख सकी। इंशाअल्लाह हम ढूंढ लेंगे उन्हें। आज तो आ जाएं शहजादे, आज तो आ जाएं। इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे हर्ज़ल का हाथ है। सुल्तान मौसम, हर्ज़ल के पास इतनी ताकत नहीं है। उसकी फरमाबरदारी करने वाले बस थोड़े बहुत यहूदी ही हैं। तो ये बात है, हर्ज़ल जानता है कि अगर सल्तनतों का साथ चाहिए तो ताजरों की हिमायत हासिल करना उसके लिए जरूरी है। मेरे सुल्तान, मेरा ख्याल है हर्ज़ल अगर बहरी जहाज को रोक सकता है तो जरूर वो पारवुस के राब्तों को इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई जहाज समंदर में बंदरगाह की जानिब आ रहा हो तो उसे रोकने के लिए कोई ना कोई मखसूस इशारा होगा। उसे तलाश करना होगा हमें। आप कैसे तलाश करेंगे उसे? हम नहीं, आप तलाश करेंगे उसे। आखिर वो आपके दोस्त हैं। दोस्त थे। पुराने दोस्तों को ही गले लगाया जाता है। जाइए और उनका जहाजों से राब्ते का तरीका मालूम कीजिए। लेकिन इस वक्त हर्ज़ल बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा मुझ पर। उसकी ये सोच तब्दील करना आपका काम है पाशा, और आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि आप उस्मानी पाशा हैं। हजरात पुरसुकून हो जाइए, रियासत आप लोगों का दर्द समझती है। जहाज जल्द ही लंगरअंदाज हो जाएंगे। फिर हमारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा? हमारा सब्र जवाब दे चुका है। अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो हम यल्दिस महल भी जाएंगे। सुल्तान हरगिज इसकी इजाजत नहीं देंगे। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता आप लोग अपने घर जाएं। ये नहीं हो सकता। अगर हम महल नहीं जा सकते तो यही इंतजार करेंगे। हमारा मसला हल करना होगा सुल्तान को। अपना माल लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सुन ले आप आफंदी, आपने पाशा की बात सुन ली, मसला हल हो जाएगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? जहाज आने के कोई आसार नहीं। सब्र कीजिए, मसला हल हो जाएगा। हमारी हालत बहुत खराब है पाशा, खुदा के लिए हम पर रहम करें। खुदा समझा कर बताएं हमारी हालत। हम बहुत परेशान हैं पाशा। सुल्तान हमारी हालत जानते हैं, हमारा गुजारा कैसे होगा? सब्र करें, मसला हल हो जाएगा। हम ताजिरों के साथ बिल्कुल नहीं हैं, हम सब अपने सुल्तान के साथ हैं। अगर वो हमसे मिल ले तो हमें इत्मीनान हो जाएगा। देखिए जनाब, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर हम एहतजाज करेंगे। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहाज अंग्रेजों ने रोके हैं। हम सुल्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम मुजाहिरा करने के लिए सिफारत खाने जाएंगे। सुल्तान की इजाजत के बगैर ये नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं, वो मुमकिन नहीं। तो फिर आप हमारी आवाज सुल्तान तक पहुँचाएं। बुखार कम हो गया है पाशा। खदीजा कुछ कह रहे हैं। नींद में बड़बड़ा रहे हैं। आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बुला लिया जाएगा। ठीक है पाशा। अभी भी उसी का नाम ले रहे हो जिसने तुम पर गोली चलाई और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। सुल्तान मौजम ने तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं किया और जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा। कुछ मत बताए, कुछ भी नहीं। अगर आपने कुछ बताया तो आप अपने बेटे को खो देंगे, इसलिए कुछ नहीं बताइएगा उन्हें। खदीजा से दोबारा नहीं मिलोगे तुम। अगर तुम लोगों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश की तो हकीकत क्या है सुल्तान को बता दूंगा मैं, और तुम जानते हो मुझे कोई नहीं रोक सकता। याद रखना कमाल उद्दीन। जान घर पर है? हाँ वो घर में ही है। हाँ आप जाइए, उन्हें बातों में मसरूफ कीजिए ताकि हम निकल सके। जल्दी जाइए। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं बाजी? हमें कमाल उद्दीन को देखना है, सब्र नहीं हो रहा हमसे। मेहरबानी करें ऐसा मत करें। देखा ना आपने नायमे को, कमाल उद्दीन की हालत बेहतर ना होती तो वो पुरसुकून होती। हाँ, हम जानते हैं, हमें यकीन है कि वो जिंदा है, मगर हम खुद देखना चाहते हैं उन्हें। हम उनसे माफी मांगेंगे। अगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो उनके कदमों में गिर जाएंगे हम। बाजी ऐसा मत करें। बाजी मेरी बात सुनिए बाजी। बाजी कहाँ जा रही हैं आप? पुपी जान हम कमाल उद्दीन से बात करके जल्दी आ जाएंगे। जाने के लिए आपको हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। पुपी जान जाने दीजिए हमें, मत रोकिए। खदीजा हम कह रहे हैं संभालिए खुद को, होश में आइए खदीजा। पुपी जान रहम कीजिए, हमने कहा बस कीजिए खदीजा। इस तरह आप हमारे लिए मजीद किसी मुसीबत का जरिया बन सकती है। खुदारा हमें जाने दीजिए। वो नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप। बहुत मुश्किल से महमूद ने उस्मान पाशा को रोका है। अगर आपको देख लिया और उन्हें किसी तरह पता चल गया कि आप कमाल उद्दीन से मिली हैं, तो इस बार वो नहीं रुकेंगे, वो भाई को सब बता देंगे। बस कीजिए बेटी, बस कीजिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। यानी जनाब हर्ज़ल, आपके पास पुराने दोस्त की मेहमान नवाजी के लिए एक प्याली कहवा भी मुयसर नहीं है। महमूद पाशा, जो कहना है कहें और जाएं यहाँ से। समझ गया, बहुत नाराज है मुझसे, हक बजानिब हैं, लेकिन मुझसे सवाल करें आप, पूछें कि महमूद पाशा ऐसा क्यों किया। पूछिए, पूछ लीजिए। पूछने की जरूरत नहीं, जानता हूँ महमूद पाशा मफाद परस्त हैं। हाँ, ये तो सच है, सही कहा आपने, लेकिन ये बात भी तो सोचे ना जनाब हर्ज़ल, मैं जनाब पारवुस के साथ पूरे खुलूस से रहा, बदले में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। दोस्ती में ऐसे कौन करता है भाई, बताए ना। बहुत मजबूर हो गया था मैं, अब्दुल हमीद के साथ मिल गया और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। पारवुस से दोस्ती मत रखें, मगर उसकी दुश्मनी मत मोल लें। जब आप अब्दुल हमीद की तरफ हैं तो सुल्तान से कहें कि पारवुस को आजाद कर दें। क्या वाकई? तो फिर यूं करता हूं मैं कि एक दरखास्त लिखता हूं आपकी जानिब से और उसे पेश कर देता हूं। मिन जानिब जनाब हर्ज़ल, आपसे एक दरखास्त है कि पारवुस को आजाद कर दें, अल्लाह के वास्ते। तो यूं लिख दूं मैं? ये कैसे हो सकता है जनाब हर्ज़ल? अब्दुल हमीद, आपको लगता है मेरे कहने पर रियासत के दुश्मन को आजाद कर देगा? क्या ये मुमकिन है? हद कर दिया आपने। ऐसा करें, ये सब बातें करना छोड़ दें आप और मुझे ये बताएं कि आगे के लिए आपने क्या मंसूबाबंदी की हुई है। हो सकता है कि मुझसे आपको कोई फायदा हो जाए। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है महमूद पाशा, बेहतर है कि हमारे रास्ते में ना आए। आपने दुखी कर दिया मुझे जनाब हर्ज़ल। ये बात सच है कि आपके साथ नहीं हूं मैं, और ये भी सच है कि मैं आपके खिलाफ भी नहीं हूं। आप मुझे बुलवाए जा रहे हैं, मुसलसल बुलवाए जा रहे हैं। वल्लाह मेरा हाल खुश्क हो गया। ये भी नहीं कि थोड़ा पानी ही पिला दें। आया, लेकिन मैंने एक लालटेन वहां देखी थी। मुझे ऐसा लगता है मेरे सुल्तान के लालटेन के जरिए जहाज को इशारा करके रोका गया होगा। सवाल यह है कि इशारा किस जगह से दिया जाता है? ऐसी जगह के पाए तख्त में दाखिल होते ही जिस पर नजर पड़ती हो। सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैंने हर्ज़ल के कागजात की तलाशी ली उससे छुपकर, तो देखा कि नक्शे में येनिकापी की तरफ इशारा किया गया था। वहां कुछ खुफिया हरूफ भी लिखे हुए थे। येनिकापी पाशा, वहां आज रात आप जाएंगे, लालटेन से जहाजों को इशारा देंगे। वो ये समझेंगे कि उन्हें इशारा हर्ज़ल की जानिब से दिया जा रहा है और जहाज आ जाएंगे। इंशाल्लाह सुल्तान मुअज़्ज़म, इंशाल्लाह। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मेरा प्यारा बेटा, मेरा शेर जैसा बेटा। क्या बात है बाबा, काफी खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों ना हूँ बेटा, पारवुस अब्दुल हमीद के कब्जे में है और मैं मुसलसल दुश्मन पर गालिब आता जा रहा हूँ और उनकी ईंट से ईंट बजाता जा रहा हूँ, फिर खुश क्यों ना हूँ। लेकिन बाबा जान रुकें जरा, अब किससे राज मालूम हो आपको? हर्ज़ल से। देखो सबाहतीन, मैं लालटेन से जहाजों को खुफिया इशारा करूँगा, मेरे इशारे को देखकर वो बंदरगाह आ जाएंगे, वो बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो जाएंगे और माल उतार लिया जाएगा। सबाहतीन यकीन करो तुम, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो दुश्मन भी मेरी तरक्की से जलन महसूस करने लग जाएंगे। कौन दुश्मन बाबा, और दोस्त कौन है आपका? देखो बेटा, पारवुस, कारसो और हर्ज़ल दुश्मन हैं। अब्दुल हमीद ही वाहिद दोस्त हैं हमारे। गलत कहा आपने, जो दोस्त हैं उन्हें दुश्मन नहीं मान सकता मैं। मेरे भोले बेटे, जिसकी ना आंखें देख पाती हैं ना कान सुन पाते हैं, उससे हमें आखिर क्या फायदा होगा। तुम जिसकी हिमायत में होना चाहो हो जाओ। सबाहतीन, तुम अब्दुल हमीद की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, अब्दुल हमीद तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। सबाहतीन बात सुनो, अब्दुल हमीद ही इस कौम को मुत्तहिद रख सकते हैं। मैं उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। मैं इस कौम की आजादी का ख्वाहा हूं और ये जालिम सुल्तान उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। क्या हकीकत से बेखबर है या दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ? हकीकत नहीं देख रहा? हाँ बिल्कुल बाबा, हकीकत। तुम्हें एक हकीकत मैं बताऊं सबाहतीन, ये है हकीकत। दोबारा बाबा से बात तरीके से करना सबाहतीन आफंदी। आ जाए पाशा, आ जाए। सुल्तान मुअज़्ज़म, सूरत हाल खराब है। जहाज ना आने की वजह से ताजिर गुस्से में है और तमाम मजदूर भी वहां पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है जहाज समंदर में किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों लंगरअंदाज नहीं हो रहे। बंदरगाह पर लोगों का एक हुजूम जमा हो चुका है। वो हक पर है, सबको माल का इंतजार है, कारोबार खतरे में है उनका। मजीद ये कि आर्मेनी और रूसी ताजिर मुजाहरे की धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं मसले के हल के लिए महल की तरफ बढ़ेंगे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पाशा, जो लोग भी यहाँ आएंगे बेवकूफ होंगे, बेहतर है कि वो सोच विचार करें। सोचने के लिए इत्मीनान दरकार होता है, जल्दबाजी में बहुत कुछ नजरों से ओझल हो जाता है। मेरे सुल्तान, मजदूर बरतानवी सिफारत खाने जाने की बात कर रहे थे। वो जहाजों के ना आने की वजह बरतानिया को समझते हैं। इसके अलावा बंदरगाह पर सहाफी भी मौजूद हैं। ये उनके मंसूबे का हिस्सा है पाशा। आर्मीनी और रूमी पाए तख्त का सुकून बर्बाद करेंगे, हमारे सिपाही उन्हें रोकेंगे, फिर यूरोप के अखबारात में खबरें शाया होंगी। उस्मानी सिपाही अकलियतों को कत्ल कर रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या हम उन्हें महल आने की इजाजत देंगे? क्योंकि उनका आना तुलाबा की तरह आना नहीं होगा। अगर सिपाहियों ने मुदाखलत की तो बहुत खून बहेगा। इजाजत नहीं भी देंगे तो वो आएंगे पाशा। हम इजाजत देंगे, मगर इस तरह कि उन्हें सबके साथ आना पड़े और बंदरगाह पर भी मुजाहरे करते रहें। मेरे सुल्तान, मजमा बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। उस्मान पाशा, आप बंदरगाह जाएं और उनसे कहें कि हुकूमत की जानिब से मुजाहिरों पर पाबंदी नहीं है। जो हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, अगर इनकी जगह मैं जाऊं तो? आप दूसरी जगह जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ है। हुक्म कीजिए मेरे सुल्तान। आप महमूद पाशा के साथ फरीजा अंजाम देंगे। वो येनिकापी से जहाजों को इशारा देंगे। हर्ज़ल का जहाजों को पैगाम देने का तरीका मालूम हो चुका है। हर लम्हे महमूद पाशा पर नजर रखिएगा और मुकम्मल एहतियात बरतिएगा। आप जो कुछ भी देखेंगे हमें बताएंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। बाबा को आपका तरीका कार मालूम हो गया है। कैसे? किसने बताया? आपने। उन्होंने कहा कि लालटेन के जरिए येनिकापी से इशारा किया जाएगा। तो ये था उनके आने का मकसद। क्या वो यहां आए थे? आए थे, पानी मांगा मुझसे और अपने मतलब की चीज लेकर चले गए। शुक्रिया सबाहतीन। जनाब हर्ज़ल, मैं अपने दोस्तों को बीच रास्ते पर छोड़कर नहीं जाता। महमूद पाशा को रोकना होगा। तुम हमारे हकीकी दोस्त हो सबाहतीन। हकीकत। तुम्हें एक हकीकत मैं बताऊं सबाहतीन? हाँ, ये है हकीकत। हकीकत। जल्दी जल्दी सिपाहियों की तस्वीरें लो, हम अखबारात में छापेंगे। खूनी मुजाहरे, सिपाहियों ने बेदर्दी से आवाम पर हमला कर दिया। सरबरा कौन है? मैं हूं पाशा। यहां आओ। सुल्तान मौजम ने आप लोगों को 1 घंटा मुजाहरे की इजाजत दी है। अल्लाह हमारी सल्तनत को सलामत रखे, सुल्तान की उम्र दराज हो। आमीन। एहतियात के साथ सहन में जमा हो जाइए, हमारे सुल्तान और रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बेफिक्र हो जाए पाशा, हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं। पीछे हट जाओ सिपाहियों। ये क्या वापस जा रहे हैं? तो यहां से कोई खबर नहीं मिलेगी। सुल्तान ने मुजाहिरे की इजाजत दे दी है, कानून के मुताबिक मुजाहिरा करेंगे और मुंतशिर हो जाएंगे। सब सुन ले, अब्दुल हमीद ने मुजाहिरे की इजाजत दे दी है। सालिम सुल्तान कीमत चुकाएगा। सालिम सुल्तान कीमत चुकाएगा। सालिम सुल्तान कीमत चुकाएगा। ये क्या किया तुमने? तुमने ही तो कहा कि सुल्तान ने इजाजत दे दी है। उन्होंने झूठ बोलने के लिए नहीं, अपना हक मांगने के लिए इजाजत दी है। मेरा माल जहाज में फंस गया है, मैं किससे मांगू? वो दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा याद रखती हूँ। इतने अरसे बाद तुमसे मुलाकात हुई, हमने कितनी बातें की। मैं तुमसे राजी हूँ मेरे बच्चे, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। काश आप भी साथ चलती। तुम तो जानते हो मेरी वालिदा और बाबा यहीं सो रहे हैं और तुम्हारे बाबा भी। मैं इन सबको यहाँ छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? अल्लाह सलामत रखे आपको। कुछ कहना चाहती है वालिदा? अल्लाह से डरते रहना बेटा और उसकी इताअत करना, हमेशा उसके अहकामात पर अमल पैरा रहना बेटा, हर मामले में अल्लाह से रुजू करना। यही मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए। इजाजत दीजिए वालिदा। रब्बे करीम तुम्हारा हामी और नासिर हो। अलविदा प्यारी वालिदा। बहुत अफसोसनाक बात है, ये तो सारे ही लोग वापस चले गए घरों को। वो समझते हैं कि अब्दुल हमीद पारवुस को इस तरह छोड़ देगा। ठीक है फिर चलो लालटेन जलाते हैं अब, ताकि हर एक को रोजगार मुयसर हो सके। जनाब हर्ज़ल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो मुखालिफत भी मत करें मेरी। जनाब हर्ज़ल, बहुत सी जानें जाया हो चुकी हैं सिर्फ इसलिए ताकि पारवुस अपना मकसद हासिल कर सके। मेरा काम कर लेने दे मुझे, जहाजों को इशारा कर दूं ताकि वो लंगरअंदाज हो सके। तारी आपकी नस नस में बसी है महमूद आफंदी, आपकी हर बात झूठी है। क्या बात है उस्मान पाशा, हमें ताजिरों के मुजाहिरों की आवाजें नहीं आ रही। वो लोग वहां से निकल ही नहीं सके। आर्मीनी और रोमी ताजिर मुजाहिरों के लिए तैयार थे, सहाफी भी मौजूद थे। उसी दौरान वहां कुछ लोग आ गए और रियासत के खिलाफ नारे लगाने वालों को पीटना शुरू कर दिया। कल खबर शाया होगी, ताजिर इख्तलाफात का शिकार हो गए। यह खबर हमारे हक में जाएगी। मुझे आपका मकसद पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्या आपने उन्हें इजाजत क्यों दी? ऐसा क्यों किया आपने? अब्दुल हमीद की तरफ क्यों हो गए आप? सोच के इख्तलाफ की वजह से। आप जानते हैं मैं बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान हूं और उनकी ही जानिब होना पसंद करता हूं जो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। अगर इजाजत हो तो जहाजों को इशारा कर दूं। दिया लाई कहां रख दी? इसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। जनाब हर्ज़ल, मुझ पर गोली चलाएंगे अगर आपने अपने हाथ लालटेन से दूर नहीं किए तो। एक फजूल सी चीज की वजह से मारे जाएंगे, एक लालटेन की वजह से। अब मेरी आपसे दरखास्त है, आप पीछे हट जाएं। महमूद पाशा, पीछे हटो, पीछे हटो। जनाब हर्ज़ल, हकीकत यह है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि आप पर पिस्तौल उठाऊं, मगर क्या करूं। क्या करूं, हवा अब्दुल हमीद की तरफ चल रही है और मैं कभी हवा की मुखालिफ सिमत नहीं चला करता। जब हवा मुखालिफ हो जाए आपकी तो हमारी दोस्ती जीतने के लिए कोई इंतहाई शानदार पेशकश कीजिएगा। इस बारे में उसी वक्त सोचेंगे। नुक्ता और फिर एक लंबी लकीर, मोरिस कोड है ये। नुक्ता लंबी लकीर। नुक्ता लंबी लकीर, नुक्ता नुक्ता, एक लकीर, फिर तीन नुक्ते, फिर एक नुक्ता, फिर तीन लकीरें, और हो गया। हाँ जनाब हर्ज़ल, जहाजों ने इशारा समझ लिया है, वो आ रहे हैं। इजाजत चाहता हूं। जनाब हर्ज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाएं। सुल्तान मौसम, क्या देखा आपने सलीम पाशा? मैंने महमूद पाशा का पीछा किया और देखा कि वो हर्ज़ल से मुलाकात कर रहे हैं। वो फिर गद्दारी करने वाले हैं। महमूद पाशा ने हमें जो कुछ बताया वो सब झूठ है मेरे सुल्तान, वरना वो हर्ज़ल से क्यों मुलाकात करेंगे? जब आप वहां गए थे तो आपको चाहिए था कि जहाजों को इशारा खुद दे देते। मैंने सोचा तो था, लेकिन हो सकता है महमूद पाशा ने जो मकाम बताया वो गलत हो, धोखा भी हो सकता था। महमूद पाशा जब महल आए तो उन्हें उसी वक्त हमारे सामने पेश किया जाए। सब कुछ गलत हो रहा है। वहां कुछ लोगों ने अब्दुल हमीद के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बहुत बुरी तरह मारा। यानी अब बंदरगाह हमारे हाथ में नहीं। अब क्या करेंगे? हम अब्दुल हमीद को डराएंगे भी और गद्दारी करने वाले को सजा भी देंगे। और ये करेंगे कैसे? महमूद पाशा का कत्ल करके? बिल्कुल भी नहीं। महमूद पाशा इतना फजूल नहीं कि उसे इस तरह से जाया कर दिया जाए। वो महल में मौजूद हमारा आम आदमी है व्लादिमीर। फैसला हो चुका है कारसो। फौरन महमूद पाशा को पैगाम भेजूंगा मैं कि तुम उससे मुलाकात करना चाहते हो। मैं नहीं कर सकता। अगर हमने गद्दारों को सजा ना दी तो गद्दारी करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। मार्को का किस्सा खत्म। अब तुम्हारी बारी ना आ जाए। आ जाएं। सिपाहियों, बाहर जाओ। क्या फिर से गद्दारी? मैं समझा नहीं मेरे सुल्तान। इनकार मत करें पाशा, मैंने खुद देखा है आपको। हर्ज़ल के साथ थे आप। सुल्तान मुअज़्ज़म, हर्ज़ल वहां मेरे ताक़ुब में आया था। वो मुझे रोकना चाहता था। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और हर्ज़ल की पेशानी पर रख दी। इस तरह हर्ज़ल को रोका मैंने। इसके बाद जहाजों को इशाराती पैगाम भेजा और वो सब लंगरअंदाज हो गए। ये झूठ कह रहे हैं मेरे सुल्तान। कोचवान, क्या कुछ और तेज चल सकते हैं हम? रफ्तार तो तेज है पाशा। सुबह होने से पहले पहुंचना है मेरे अल्लाह। मेरे इस बेचैनी को तू ही खत्म कर सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आ जाएं। सुल्तान मौसम, तमाम जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो रहे हैं। जा सकते हैं आप। मैं एक बार गद्दारी कर चुका हूं सलीम पाशा, अब उसके बाद सुल्तान मुअज़्ज़म को नुकसान पहुंचाने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। आज आपने जो ये हरकत की है उसके लिए जितने भी शर्मिंदा हूं वो कम है। सलीम पाशा, सियासत में अगर हम दलील के बजाय सिर्फ सुनने पर यकीन करने लगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब समझे आप तहसीन पाशा हमारे लिए क्यों इतने अहम है। जी समझ गया मेरे सुल्तान, गलती हो गई मुझसे। तस्दीक करने से पहले मुझे खबर नहीं सुनानी चाहिए थी। असल में तो महमूद पाशा ने रियासत के लिए आज बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दी है और ये तारीफ के मुस्तहिक हैं। जो भी हुआ, मैं एक उस्मानी पाशा हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। आपसे माजरत के साथ वो हर्ज़ल अचानक मेरे सामने आ गया। वो मुझे रोकने के लिए वहाँ आया था। मैंने जैसे ही अपनी पिस्तौल निकाली और उसकी पेशानी का निशाना लिया, वो शशदर रह गया। उससे मुझे ऐसी हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मैंने लालटेन जलाई और जहाज को पैगाम भेज दिए सुल्तान मुअज़्ज़म। उन्हें हुक्म दिया कि फौरन जहाज लंगरअंदाज करो, कप्तान बंदरगाह की तरफ बढ़ो, कप्तान बंदरगाह की तरफ चलो, जल्दी। भेज दिया पैगाम। जो भी हो, आखिर हूं तो उस्मानी पाशा में और किसी से भी नहीं डरता। और पाशा भी किसका हूं? हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद खान का पाशा हूं मैं। अल्लाह के हुक्म से ये हमारी गर्दन झुकने नहीं देंगे, सीना तान कर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पहले तो उसे देखकर परेशान हो गया। अगर जान की अमान पाऊं तो वो भी बताता हूं सुल्तान मुअज़्ज़म। नहीं, जा सकते हैं आप। अल्लाह उम्र दराज फरमाए मेरे सुल्तान, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सलीम पाशा, दरवाजा खोलो सिपाहियों, दरवाजा खोलो। जी कहिए सुल्ताना। तुमने कहा फिरोजे अब्दुल कादिर का शाम को इंतजार करेंगी, ऐसा ही है ना? जी मेरी सुल्ताना, लेकिन शहजादे से वो मिल नहीं पाएंगी। अब्दुल कादिर की जगह अब तुम वहां जाओगी लतीफे। क्या मैं? हाँ तुम। और ये ले जाकर फिरोजे को दे देना। और उसको जो भी बचाएगा वो शख्स शहजादा बनेगा। शहजादे खुद नहीं आएंगे मुझसे मिलने? नहीं, और कहा है आइंदा खत मत लिखना। आखिर क्या चाहते हो?